हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखने जा रहे हैं हाउ डू यू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू से वैल्यू को कैसे रिट्रीव करेंगे, तो सबसे पहले आप एचटीएमएल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ड्रॉप डाउन मेनू से सिंगल सिलेक्शन भी होता है, मल्टीपल सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रॉप डाउन विथ सिंगल सिलेक्शन। तो आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू बना रहे हैं, इस प्रोग्राम को सेव कर लिया जाए। मैंने नाम दे दिया, या कॉम्बो बॉक्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, कॉम्बो डॉट एच टी एम एल। ओके, ये आ गया एच टी एम एल का स्ट्रक्चर। मैंने यहां पर लिख दिया ड्रॉप डाउन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे ड्रॉप डाउन में कोई भी वेबसाइट का लिंक सेलेक्ट करें। ठीक है, जैसे ही लिंक हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हमारा वो वेब पेज रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, वो वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म टैग बना लेते हैं, सेंटर। ओके, इसके बाद मैंने फॉर्म टैग और यहाँ पे टेबल टैग मैंने यूज कर लिया और टीआर। ओके, इसमें मैंने यहाँ पे टीडी यूज कर लिया और यहाँ पर हम लोग देते हैं सेलेक्ट वेब लिंक, सेलेक्ट वेब लिंक। ओके, फिर हम लोग एक दूसरा टीडी हम लोग बनाए। ओके, इसमें मैं ड्रॉप डाउन, आप जानते हैं कि ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट टैग। ओके, और इसका नाम हम लोग ले लेते हैं आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज करेंगे। आईडी इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया वेब, दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट टैग के अंदर मैंने ऑप्शन टैग यूज कर लिया। ओके, ऑप्शन में मैंने वैल्यू दे दिया है। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू मान लिया कि दिया गया गूगल। ठीक है, और जो फॉर्म पे शो करेगा। ओके, इसी तरह से कुछ और लिंक्स हम लोग बना लेते हैं ड्रॉप डाउन में। ओके, एक मैंने यहाँ पे ट्विटर ले लिया। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे फेसबुक और एक ले लेते हैं यहाँ पे अपने कॉलेज का वेबसाइट सीमेज। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि जो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है, वो पेज ओपन हो जाना चाहिए। अब फेसबुक को सेलेक्ट किया जाए तो फेसबुक ओपन होना चाहिए, अगर ट्विटर को सेलेक्ट किया जाए तो ट्विटर आपका ओपन होना चाहिए। ये जो ऑप्शन टैग में वैल्यू दिया जा रहा है, वही वैल्यू हमारा रिट्रीव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं, टी आर टी डी इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने दे दिया है नॉर्मल बटन और यहाँ पे वैल्यू यूज कर दिया जाए। वैल्यू में मैंने यहाँ पर दे दिया है ओपन और एक फंक्शन बनाएंगे जो ऑन क्लिक इवेंट पे हम लोग कॉल करेंगे। ऑन क्लिक इवेंट और एक फंक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, रिडायरेक्ट या ओपन पेज, जो भी आप फंक्शन का नाम देंगे। अब यहाँ पे हम लोग, ये तो हमारा इंटरफेस का कोडिंग हो गया, अब जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करना है। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज किया और यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन फंक्शन का नाम मैंने दे दिया है, यहाँ पे नाम दिया था ओपन पेज। ओके,
और आप जानते हैं कि वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए मैंने बताया था आपको गेट एलिमेंट बाई आईडी फर्स्ट मेथड। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दे दिया है पेज, पेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी और आईडी नेम वहां पर मैंने दिया था वेब, ओके डॉट वैल्यू। तो कॉम्बो बॉक्स से जो भी वैल्यू आप रिट्रीव करेंगे वो पेज में आ जाएगा। तो अब जो यूजर कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता है, अगर पेज में अगर गूगल को सिलेक्ट करता है तो गूगल ओपन होना चाहिए, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में वेब पेज को रिडायरेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन। और यहाँ पे यूआरएल होगा, आप जानते हैं कि यूआरएल कैसे स्पेसिफाई करते हैं, HTTP कोलोन साइन डबल स्लैश www.google.com। और हम लोग यहाँ पर सिंगल सिलेक्शन है एलसिफ यूज कर रहे हैं, तो इसको कॉपी कर लिया जाए, ओके एल्स। फिर उसी तरह से जो भी नेक्स्ट लिंक था ट्विटर, ओके तो यहाँ पर लिंक हमारा हो जाएगा twitter.com, ओके। फिर था एल्स, फिर फेसबुक, फेसबुक मैंने दे दिया और यहां पर फेसबुक यूज कर दिया, ओके। और एक लास्ट था सीमेज, तो अगर यूजर सीमेज सेलेक्ट करता है तो सीमेज का वेबसाइट खुलना चाहिए, तो सीमेज.in, cmsh.in, ओके। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है, अब इसको रन करा के देखा जाए, ठीक है। आइए एग्जीक्यूट कराते हैं, ओपन इन ब्राउजर। अब यहाँ सेलेक्ट वेब लिंक, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया सबसे पहले, ठीक है, ट्विटर को सेलेक्ट करते हैं, ओपन। देखिए अब हमारा नेट थोड़ा सा स्लो है, ट्विटर हमारा, देखिए ट्विटर हमारा रिडायरेक्ट हो गया, ट्विटर ओपन हो गया। फिर हम लोग बैक चलते हैं, अब यहाँ से कॉलेज, अपने कॉलेज के वेबसाइट को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, सीमेज को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन। तो ये कॉलेज का भी वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो आपने देखा कि आज के वीडियो में ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग ड्रॉप डाउन से वैल्यू को कैसे रिट्रीव करते हैं, सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल एलिमेंट को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।